सो गाइस इट्स टाइम टू बिलिंग और अभी हम लोग गेम खेलेंगे हेड एंड टेल. हेड आएगा तो मेरा, टेल आएगा तो आपका. तो हेड्स आएगा. हाँ तो बिलिंग आप करोगे? नहीं काउंट हो गया. बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3 यार. बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3. नो चीटिंग, नो 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 नो. इट्स चीटिंग हनी, इट्स अ चीटिंग, इट्स अ चीटिंग, इट्स अ चीटिंग. ठीक है, वन वन होगा, वन वन होगा. ठीक है, लास्ट फाइनल. ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों का सारा घर का सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं. वैसे तो जब हमारी मम्मी लोग शॉपिंग करने जाती हैं तो वो लोग एक लिस्ट रेडी करती हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. हम लोग ये सोचते हैं उससे पहले कि बिल कौन पे करेगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या खरीद के लाना है. कुछ तो है माइंड में, ऐसी बात नहीं है. कुछ चीज़ें तो है जो हमारी खत्म हो रखी हैं, जो लेके आ रहे हैं. यस, अगर ये बिल पे करेंगे तो मुझे कुछ बाउल्स और ये सब चीजें लेनी है वो मैं ले लूंगी, और अगर मुझे बिल पे करना होगा मैं क्यों बिल पे करूंगा? इस बार तो आपका नंबर है ना. लेकिन इस बार अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रों में लड़कियां पैसे खर्च नहीं करती, लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं क्योंकि लड़कियां लक्ष्मी होती है. ये तो कोई दुख नहीं होता. नहीं, तो इसलिए इस बार मैं पे नहीं करूंगी. एक बार आप पे करोगे? हर बार ऐसे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा. पिछली बार भी कुछ आ गया था, इस बार भी कुछ आ गया, अगली बार भी कुछ आ जाएगा. तो मैं ही पे करता रहूं. मैं खाना बनाती हूँ ना, आपके मेड के चार्जेस बचते हैं, तो इसलिए. मेड के चार्जेस क्यों बचेंगे मेरे? मेड की, मेड वाली क्या बात है? मैं खाना बना रही हूँ, आप खाना ला तो सकते हो ना. हाँ ठीक है, बट हम मैंने इमोशनली पिच कर दिया है, अब तो नहीं मिलेगा. चलो वो तो चलो ठीक है, वो सब चीजें हम रास्ते में डिसाइड कर लेंगे. तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं और ये टाइम हो रखा है 7 बजे का, क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और इनका सैटरडे ऑफ होता है, मेरा सैटरडे ऑफ नहीं होता, तो मेरे को काम भी थोड़ा ज्यादा करना. चलो हम भाई अंदर चलते हैं फटाफट से और शॉपिंग करते हैं. मोटू पतलू, तू भी मोटू होगी अभी. हाँ कह सकते हो. लेट्स गो. Guys, you can see the price. 150 वाला यूनिट 69 रुपीस में मिल रहा है. It's a very good. तो हम लोग एक उठा लेते हैं. चलो लेट्स गो स्टार्ट. यहाँ से बिस्किट से हो गया हमारा. Now we want बादाम. हाँ देखिए मैंने 65 बादाम देखो 907 का 655 में. किशमिश भी बहुत सस्ते मिल रहे हैं यहाँ से. उठा लो जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको उठाने हैं. ये वाला ले लेते हैं, क्या कहते हैं 500 ग्राम ना, हमारे पास रखे हैं ना अभी, पर ऑफर शायद सिर्फ 1 kg पे है. हाँ बादाम अमेरिकन. गाइस पोहा भी यहाँ पे ओपन मिल रहा है 52 रुपीस के जी. गाइस स्नैक्स ही स्नैक्स इकट्ठे किए जा रहे हैं. चिवड़ा, ये क्या कौन सी है, मुंबई की कौन सी, भेलपुरी, इसको बहुत भूख लगती है आजकल गाइस. ये सारे पैसे तेरे को ही देने हैं. ठीक है, नहीं नहीं इतना जो उठा रहे हो ना सामान भर के, इतना तो हमने उठा लिया. ये भी हो गया होगा, कितने का हो गया होगा ये सामान अभी तक? 2000 समथिंग का. चलो देखते हैं, बाकी है बहुत सस्ता. अभी आपको दिखाया था मैंने मैगी का पैकेट, 10 वाला पैक है ना ये. नहीं 8 वाला, 10 वाला पैक मैंने दिखाया था. दे 10 वाला पैक ऐसा कुछ था, समथिंग पता नहीं कितने का, 99 समथिंग पड़ा. कितने का पड़ रहा है? 173 प्राइस, 173 डीमार्ट प्राइस. नाइस, लेट्स गो.
और क्या लेना? कौन से वाले? सभी साबुन पे बहुत ज्यादा हो। लूट लो लूट लो लूट लो। क्या है ये साबुन? नाइस। सो गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें प्राइस, जैसे कि हमें स्कॉच ब्राइट लेते हुए स्क्रब पैड लेते हुए ना, ये सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रांड है, कि सारों पे बहुत अच्छा अच्छा ऑफ है। लाइक मैंने ये वाला लिया अभी रिफ्लेक्ट का, इसमें 75 पीसेज हैं, वो भी बाय वन गेट वन, सो यू कैन परचेज। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो टोपो पे भी इतना ज़्यादा ऑफ है, अगर 500 ग्राम का पैक लेते हो तो MRP 90 है और 50 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, और सेम 200 ग्राम वाले पैक में आपको 22 रुपये ऑफ मिल रहा है, 28 रुपये का मिलेगा आपको 200 ग्राम, काफ़ी सही है। इवन ये जो मेरे पके खीर है ये भी 20 रुपये की MRP है और 18 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये देखो गाइस कोल्ड ड्रिंक पे भी इतना ज़्यादा ऑफर है, इनमें तो आपको बाय वन गेट वन बहुत मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा ऑफ है। लिम्का 74 में, छोटे वाली बोतल भी 32 में, और बहुत सारे जूसेस हैं अलग अलग तरह के, वो भी आपको उनमें भी काफ़ी मतलब ऑफ मिलेगा आपको। ये फ्लेवर्ड मिल्क है, फ्लेवर्ड मिल्क पे भी ऑफ है, पाँच पाँच रुपये, दो दो रुपये सब पे है। ये देखो बाय वन गेट वन बी नेचुरल का 130 रुपीज़ में एक लीटर, मैं आपको दो पैक मिल जाएंगे, कोई भी फ्लेवर, कोई भी दो फ्लेवर उठा सकते हो। ऐसे रियल जूस 103 में मिल रहा है आपको। फिर हफ्जा 145, 15 रुपीज़ हो। तो मज़े हैं जो मतलब डी मार्ट से, जिसके घर के आसपास डी मार्ट है, डी मार्ट से शॉपिंग करता है ना, उसके तो बहुत मज़े हैं, मतलब बहुत पैसे बचते हैं राशन में, और बीच बीच में ये जो स्टॉक में भी आइटम रखे हुए हैं, जो मतलब ये उनको स्टॉक्स में निकालने हैं वो सब रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला फ्लेवर जैसे जो है ये बहुत कम बिकता है, मसाला मिक्स फ्रूट, तो इस पर इन्होंने बाय वन गेट वन लगा दिया 130 पे, और फ्रूटी पे तो देखो भाई साहब बल्क में फ्रूटी बिक रही है। अरे काफ़ी बड़ा है, 2-3 फ्लोर का है डी मार्ट, काफ़ी अच्छा है। क्या उठाया क्या उठाया क्या उठाया? एक उठा, कितने उठा रही है? नहीं तीन तो लेने दो। ये कॉफी बाइट है ना, बहुत ज़्यादा, तू एक बार में खा जाती है, दो मिलेंगे बस, नहीं मिलेगा, इतना मीठा नहीं खाते। इसमें भी 10 रुपये ऑफ है, सब पे ऑफ है भाई, सब पे, कोई भी आइटम आप उठाओ सब पे कुछ ना कुछ तो ऑफ मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये देखो कैडबरी की चोको बैग्स, इसके भी 1 रुपये ऑफ है, 10 रुपये की 9 रुपये में। और जिसको ये लोटो चोको पाइस पसंद है इन पे तो 20-20 रुपये ऑफ है, 11 रुपये ऑफ है। गाइस मूसली मेरी फेवरेट है, और ये देखो केलॉग्स की जो फ्रोजन नट मूसली है उसको कितना ज़्यादा ऑफ है, 140 रुपीज़ ऑफ है इस वाले पैक पे, जो 750 ग्राम का है, MRP आप देख सकते हैं 460, और ये वाला आपको 320 में मिलेगा यहाँ पे। और उसके अलावा एक ये योगा बार की भी चल रहा है, इस पर ऑफर है बाय वन गेट वन 325 में 400 ग्राम, इसमें कोई भी दो फ्लेयर उठा सकते हो या फिर एक सिंगल ले सकते हो, हाफ प्राइस लगा देते हैं। बाकी सारे फ्लेवर्स हैं, मतलब सारे ब्रांड्स हैं इनके पास, ब्रैग्स की है और केलॉग्स है, सफोला, मतलब ओट्स वगैरह जिसको लेने हो, चोकोज वगैरह लेने हो,
मतलब सब मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनके उनके ऊपर एमआरपी से प्राइस घटा के आपको ऑफ करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी ब्रांड्स हैं घर जाकर बताएंगे इसके पीछे रीजन क्या है, तो फिर आप लोग सोचो। और जितने भी ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और कोई भी ऐसा नकली प्रोडक्ट नहीं है, सब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं और सब पे आपको ऑफ मिलेगा। अरे मेरे फेवरेट पॉपकॉर्न उठा लो यार, सारे उठा लो। क्या विम बार? हाँ, इसके अंदर वो भी है, बॉक्स और स्क्रब है, स्क्रब फिर इन बॉक्स स्क्रब्स के लिए भी रहेगी। ठीक है, अभी हमारा नीचे का सारा सामान हो गया है जो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग थी, अभी हम लोग जा रहे हैं क्रॉकरी शॉपिंग करने के लिए अपस्टेयर्स, जहाँ पे हमारे किचन की कुछ चीज़ें हमें जो लेनी है उसके हम लोग लेके भी ला रहे हैं, और अभी ऊपर जाके आप लोगों से मिलते हैं। ऑप्शन ऑफ इरेजर्स तो हम सोचते हैं घर के बच्चों के लिए ले लेते हैं, या तो ये वाला, तीन बच्चे हैं हमारे घर में, भाभी, केविका और गुड्डू, तो हम सोचते हैं या तो ये वाला सेट लेते हैं, बट इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये वाला तीन का सेट है, ये भी अच्छा है, मतलब तीन इरेजर इसमें से ये सेट निकाल लेते हैं बच्चों के लिए। उसके ऊपर वो भी है गर्ल्स का, पर ये ठीक है आईफोन वाला ना, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू ब्लिंक, और अभी हम लोग गेम खेलेंगे हेड एंड टेल, हेड आएगा तो मेरा, टेल आएगा तो आपका, ठीक है भाई पे करेगा, ठीक है चलो। हेड इसमें आया है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरा हेड है, फ्लिप आपका हेड है, ठीक है अगर हेड आया तो बिलिंग आप करोगे, अच्छा और टेल आया तो बिलिंग मैं करूँगी, करो फ्लिप, करो। हेड से आ गया, हाँ तो बिलिंग आप करोगे। गाइस बेस्ट ऑफ थ्री मैं जीत गया हूँ, तो अभी सारा पे करेगी, ठीक है सारा, इसकी शक्ल देखो और सामान देखो जरा, कितने की चपत लगेगी क्या लगता है? अरे रो मत यार, स्प्लिट कर लियो। रोने को हो रही है बिल्कुल, देखकर चुपचाप से निकालो कार्ड। गाइस मैडम पे कर रही है, फाइनली शी एग्रीड टू पे। कितने की चपत लगी? नहीं सर मैंने इनको बोलते थे, इनको बोल दिया। सो गाइस शॉपिंग हमारी हो गई है और मैडम को चपत लगी है कुछ 3300 रुपए की। अरे बिल्कुल रोने को रखी है इसको, ये अपनी गाड़ी नहीं है, पंजाब नंबर गाड़ी है, पता नहीं किसी गाड़ी में जाएगी। हाँ तू पंजाब में शादी होनी चाहिए तेरी। चलो गाइस इट्स टाइम टू गो होम, अभी मिलते हैं हम लोग घर जाके। चलो पहले सामान रखते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं घर। So yeah guys, हम लोग घर पे आ गए हैं और हम लोगों ने काफी सारी शॉपिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हो।
और इसमें से हम लोगों ने जो आज बिल पे किया है वो 3323 का बिल पे किया है, और जो हमारी पूरी ओवरऑल शॉपिंग थी वो 4800 समथिंग की थी, तो मतलब इस पे हमने 1400 पूरा अमाउंट सेव कर लिया है हमारा जो इसमें ऑफ था इसके एमआरपी के अकॉर्डिंग। तो गाइज आप प्लीज़ अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ कमेंट 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 करो यार, मतलब चाहे तुम लोग हार्ट स्पैम करो कमेंट में, बट प्लीज़ कमेंट करो। और अब इसके पीछे का रीज़न कि हमें इतना सस्ता कैसे पड़ा है और इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको मनमीत बताएंगे। तो गाइज बेसिकली क्या होता है कि डीमार्ट के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, जिसकी वजह से ब्रांड्स उनको अपना सामान रखने के लिए पैसे देती है, डीमार्ट को पैसे देती है। तो बेसिकली क्या है, जितना भी सामान है उसका तो मतलब वो होलसेल का प्राइस देती ही है, एमआरपी पे नहीं देती उनको, होलसेल में उनको सामान तो देती ही है, प्लस अपना मतलब ये कोई भी एक आइटम है इसको रैक में रखने के लिए वो रैक भी खरीदती है, मतलब वो रैक का एक तरह से रेंट पे करती है। तो जिसकी वजह से डीमार्ट के पास एक लेवरेज मिल जाती है उसको प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग डील्स देता है, वो बाय वन गेट वन के ऑफर देता है, काफी ज्यादा प्राइस में ऑफ डाल देता है। तो इस तरह से डीमार्ट जो है इस चीज को अपनी अर्निंग से करता है और उससे हमें भी बेनिफिट देता है, बेसिकली इसके पीछे यही एक रीजंस है। मेन तो यही कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए, कस्टमर को काफी बेनिफिट हो रहा है। तो अगर आपके घर के आसपास अगर डीमार्ट है तो आप डीमार्ट से ही शॉपिंग करिए, आपका मतलब आपको बजट बनाने में काफी आसानी रहेगी। एग्जैक्टली। सो गाइस आज का व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, बाय बाय। Oh, 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 oh